आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अबीहा बतूल से, जो कि पाकिस्तान की कम उम्र तरीन बच्ची हैं, जो बच्चों के हकूक की वकील हैं, यूनाइटेड नेशन में जा चुकी हैं, बच्चों के हकूक की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। अभी तो ये खुद बच्ची हैं, किस तरह से इनको ख्याल आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबीहा मुझे बताइएगा कि इतनी सी एज में ये क्या ख्याल आया कि आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से और चाइल्ड लेबर के हवाले से काम करना? बस जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो जब सर्च फॉर जस्टिस ने अपना क्लब बनाया हमारे स्कूल में, तो मैंने तब इसमें पार्ट लिया। और फिर जब मैंने इनके साथ उस क्लब में पार्ट लिया, इनके साथ काम किया, तो मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। फिर ऐसे ही आगे मैंने इनके साथ सोचा कि नहीं, मैं इनके साथ आगे एज अ वॉलंटियर इनके साथ काम करना चाहिए। और फिर ऐसे ही मैंने इनके साथ आगे काम किया और आज मैं यहाँ हूँ। तो देखें बस आगे इनके साथ काम कर करके, ताकि मुझे भी पता चला कि बच्चों के राइट्स क्या हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो जिनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन पर तशद्दुद हो रहा है। और फिर मैंने ऐसा इनके 15 साल आपकी अपनी एज है, इतनी सी एज में क्या ऐसी कोई आपने वाकया देख लिया या इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी कि मैंने एज अ वॉलंटियरली ये काम करना है? पहले तो ये मोटिवेशन थी कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुआ ये कि हमने एक रावी के पुल से एक बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में भेजा, क्योंकि वो बच्ची वहाँ रह रही थी और वो बच्ची मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर अब्यूज़ हुआ गया था, उसे ड्रग्स दी गई थी और वो बच्ची काफ़ी बुरी हालत में थी। और सर्च फॉर जस्टिस ने ऐसा वहाँ मेडिकल कैंप लगाया था और वहाँ भी मैं उनके साथ थी। और फिर इसी तरह से हमने उस बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में दिया। और बस इस चीज़ ने भी मुझे मोटिवेशन दी कि नहीं, इस काम की तरफ। आपको लगा कि बच्चों के हकूक के लिए काम करना चाहिए? सही। और अक़वामे मुत्तहिदा में कैसे चलेंगी? यहाँ तो आम आदमी की पहुँच ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, कैसे मौका मिला वहाँ जाकर बात करने का? बस जब मैंने इनके साथ काम किया और इनके साथ एज अ वॉलंटियर काम किया, इनके पैनल डिस्कशंस में पार्ट लिया, इनकी डिफरेंट सेशंस में गई, तो उसी तरह से बस अचानक से यूएन जाने का मौका मिला और मैं वहाँ गई। और फिर मैंने वहाँ डिफरेंट लोगों से मिली, जो लोग वहाँ आए थे बच्चों के हकूक पे बात कर रहे थे, उनसे मिली। और बताइएगा कि क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में बच्चों के जिन पर आप काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में बच्चों के मसाइल हैं कि यहाँ बच्चों को तालीम नहीं दी जाती। वालदैन कहते हैं कि गुर्बत है, गुर्बत की वजह से बच्चों को पढ़ाई नहीं भी होगी तो क्या है। इसलिए वालदैन बच्चों को पढ़ाई से हटा देते हैं, काम पे डाल देते हैं। वालदैन का कहना ये होता है कि गुर्बत है घर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हकूमत को वालदैन की गुर्बत का खात्मा करना चाहिए, उनकी माली इमदाद करनी चाहिए जिनसे उनकी गुर्बत का खात्मा हो और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आपको पाकिस्तान की यंगेस्ट लॉयर भी कहा जा रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है और घर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था पेरेंट्स का कि आप क्यों ये काम कर रही हैं? या आपको क्या, आपकी ज़ाती तौर पे तो कोई ऐसे मसाइल नहीं थे? पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू नहीं था, हालांकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी कि नहीं, ये काम अच्छा है, तुम्हें इसमें आगे जाना चाहिए, कि अच्छा काम है ये। तो उनकी तरफ से कोई वो बात नहीं थी कि आप ये काम ना करो, क्या है ऐसे, नहीं। और उसके अलावा बस ऐसे ही फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब इनके साथ काम किया, तो इनका जो काम था वो अच्छा था। और जब पेरेंट्स ने मुझे मना नहीं किया, तो फिर मुझे इससे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मैं इस काम में आगे फर्दर जा सकती हूँ। तो इसी तरीके से बस रहनुमाई कहाँ से मिली आपको इस काम की तरफ आने की? चूँकि और भी बहुत से बच्चे हैं, आप उनसे मुख्तलिफ़ हैं कि आप इस पर काम कर रही हैं, किस तरह? उसी तरीके से जब इन्होंने अपना एक चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम हमारे स्कूल में बनाया, तो मैं जब उसकी पार्टिसिपेट बनी, तो इन्होंने डिफरेंट सेशंस भी हमारे स्कूल में किए। दूसरे ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस किए। ओके। अब जब मैंने इनकी ट्रेनिंग सेशंस लिए, तो वो ट्रेनिंग सेशंस काफ़ी हेल्पफुल भी थे। ओके। कि उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स भी मिल रहे थे कि नहीं, हमें ये काम अच्छा है, ये काम बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इससे कुछ बच्चों को, क्योंकि अब मैं वकील, अगर लोग कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखना कानूनन जुर्म है। बिल्कुल। और इससे सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी बच्चों को इतना राइट ही हासिल नहीं है कि वो उनके लिए बनाए गए इदारों और कवानीन के बारे में इतना जाने। तो इसी चीज़ की वजह से वहाँ यूएन में तमाम ममालिक से लोग आए होते हैं, अपने अपने मुल्कों की जो है वो अपने अपने वतन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आपको वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कैसा लगा और क्या क्या गुफ्तगू हुई,
किस तरह के सवाल हुए या आपने जो डिबेट की वो क्या थे, क्या क्या इश्यूज को हाईलाइट किया गया? मैंने वहाँ पाकिस्तान को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि पाकिस्तान के बच्चों को भी अगर बोलने का मौका दिया जाए तो वो भी बोल सकते हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया। और दूसरा मैंने किया कि बच्चों को जो तालीम नहीं मिलती और जितने उनसे राइट्स ले लिए जाते हैं, उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया था। ओके, इतनी सी एज में इतनी अचीवमेंट, यूएन में जाके बात करने का मौका मिला। आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं, क्या करने जा रही हैं फ्यूचर में? अभी तो मेरा 10th स्टैंडर्ड है और अभी तो मैं यही सोचूंगी कि मैं इस काम को ही आगे फर्दर लेकर चलूंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा जिस तरीके से मेरी एज है और मेरी जिस तरह से क्लास है, मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ, तो अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ इसी काम को आगे लेके चलूंगी और इसी काम में फर्दर आगे जाऊंगी। अच्छा, अभी हाँ मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है स्टडीज़ के साथ इस चीज़ को लेके चलना, और किस हद तक जो है वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और स्टडीज़ डिस्टर्ब होती हैं इस काम के साथ? नहीं, मतलब जहाँ बाकी बच्चे ज़्यादा टाइम खेल को दे देते हैं या ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने को दे देते हैं, वहाँ मैं अपने उस पूरे वक्त में से थोड़ा सा वक्त इन काम को दे देती हूँ, ताकि फिर ऐसे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, पढ़ाई भी मैनेज हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई पर उस तरीके ज़्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि अब जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं। तो घर वालों को सेटिस्फाई कर लेती हैं, वो नहीं कहते कि आपकी स्टडी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है? नहीं कहते, क्योंकि फिर वो मैनेज करना पड़ जाता है। अभी मैं इस काम के साथ साथ इनको टाइम दे रही हूँ और फिर स्टडीज़ को भी उतना ही टाइम देते हैं, जैसे अगर जितना जैसे हम स्कूल में 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो उतना ही स्कूल से पढ़कर आकर बंदा एकेडमी में उतना टाइम दे देता है और बाकी टाइम इन्हें दे देता है, तो मैनेज हो जाता है। लोग आपको देख रहे हैं, ऑडियंस को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी आप? मेरा यही मैसेज है कि अपने बच्चों को तालीम हासिल करने दें और उनको किसी के घर पे काम पे ना डालें, उनसे उनके राइट्स को मत छीनें, मतलब जो उनके राइट्स हैं वो उन सबको उनको दें, ताकि बच्चे भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। अगर बच्चों से किसी मामले में उनकी राय लें, ताकि बच्चों का भी मशवरा में भी सही भी हो सकता है, बच्चों से उनकी राय लें ताकि बच्चे भी अच्छे खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, अबीहा बतूल हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान की यंगेस्ट लॉयर हैं, बच्चों के हकूक पर काम कर रही हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।